Canavians, like, subscribe, and press on the bell icon to never miss any videos. सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में मैंने दिया था 5 बजे तक का टाइम शेड्यूल. अब 5 बजे मैं एक बॉयल करती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, एंड देन फिर जो भी है स्नैक्स वगैरह का टाइम होता है हमारा, चाय पानी बनाती हूँ, पीते हैं हम लोग साथ में मिलकर. टन टना, अब ले जाती हूँ मेरे हस्बैंड के पास मैं, और मेरे हस्बैंड बैठ के चाय पीते हैं साथ. डुकू भी हमारा साथ देता है, एंड उसे चाय पीना, बिस्किट खाना बहुत पसंद है. तो इतना ही टाइम है, फिर थोड़ा बहुत वो टॉयलेट वगैरह मेरे तीनों पेट्स करते हैं, तो क्लीनिंग वगैरह बीच बीच में करती ही रहती हूँ. उसके बाद का जो टाइम है, सारे बॉटल्स में पानी भरती हूँ, तो ये टाइम शेड्यूल रहता है 5 से 6 बजे तक का. फिर मैं वो शाम को दिया दिखाती हूँ भगवान के पास, आरती वगैरह करती हूँ. तो सबसे पहले मैं जल छिड़कती हूँ हर एक एंट्रेंस पर, मतलब इवनिंग वाला पूजा करने के पहले हर द्वार पे पानी छिड़कती हूँ. उसके बाद जो दोपहर का प्रसाद है उसे उठाती हूँ. जनरली लोग दोनों टाइम देते हैं, पर मैं एक ही टाइम प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो इसीलिए शाम को मैं उसे उठाकर उसके बाद जो पुराने फूल वगैरह रहते हैं, आरती वगैरह करके पुराना फूल वूल उठाकर फिर भगवान को सुला देती हूँ. तो यही प्रोसीजर रहता है शाम के पूजा का. मतलब शाम का पूजा हो या आरती, अलग ही सुकून मिलता है. कभी कभी कुछ काम से सुबह बाहर भी चली जाती हूँ, तो अगर दोपहर का पूजा नहीं भी हो पाए तो ये शाम के पूजा से अलग ही सुकून मिलती है. तो ये शाम का पूजा एंड आरती इज़ द मैंडेट. उसके बाद ये जो दिया और अगरबत्ती है, सारे घर पर कपूर वाला दिया मम्मी को भी दिखाती हूँ, और सारे रूम में जाकर मैं ये दिखाती हूँ. एंड उसके बाद फिर तुलसी जी को भी मैं थोड़ा बहुत अगरबत्ती और दिया दिखा देती हूँ. एंड थोड़ा सा एंट्रेंस पर भी मैं दिखा देती हूँ. उसके बाद फिर मैं जैसे कि बता रही थी कि सारे पुराने फूल मैं निकाल लेती हूँ, तो उसके बाद पुराने फूल निकाल कर फिर मेरा टाइम रहता है. अब आगे का टाइम या तो मेरे पेडिक्योर थ्रेडिंग वगैरह का अर्बन कंपनी से करवा लेती हूँ बुकिंग, या तो इससे टाइम मैं कुछ भी, मतलब मार्केटिंग जाना हो या फिर कुछ भी हो, जैसे वर्कआउट करती हूँ इसी टाइम, जनरली वर्कआउट करती हूँ. एंड फिर मैं एक PCOS वाला ड्रिंक पीती हूँ, जो कि है वो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी डिटेल्स दी हुई है इसकी, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम अकाउंट की. एंड फिर 9 बजने के पहले 8:30 बजे लगभग चिकन बॉईल करती हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए. तो उनके रात का डिनर यही होता है, ओट्स दलिया या तो फिर बॉईल चिकन के साथ ही वो कुछ लेते हैं, या तो सब्ज़ी वगैरह के साथ, बट बॉईल चिकन मैंडेटरी है. तो जैसे कि ये बच्चे लोग भी खाते हैं मेरे. उसके बाद ये पक जाने के बाद फिर डुगू और मेरे जैक एंड जिल को फिर चिकन खिलाती हूँ. सारे लोग ये लोग इंजॉय करते हैं. एंड देन फिर हमारा डिनर टाइम. बट आज का डिनर बहुत स्पेशल है, आई लव बिरयानी. हफ्ते में मतलब कितने बार ऑर्डर करती हूँ डोंट नो. एंड देन फिर टेबल वगैरह क्लीन कर रात को सोने की प्रिपरेशन करने जाती हूँ. किचन वगैरह फिर पोछा पोछी कर लेती हूँ, कुछ भी अगर गैस पर पड़ा हुआ हो तो. फिर कभी कभी मैं कभी कभार स्ट्रे डॉग्स को भी खिला लेती हूँ, डेली नहीं बट ऑल्टरनेटिव डेज में या वीकेंड्स में या कोई ओकेशन पे, या तो बस चिकन पीसेस देती हूँ या बॉयल्ड चिकन एंड राइस पका कर देती हूँ. जैसे कि आज मैंने बस बॉयल्ड चिकन ही बनाया हुआ था, तो बस चिकन पीसेस ही इन लोगों को खिला रही हूँ. और कभी कभार ट्रीटमेंट वगैरह रहता है तो कर लेती हूँ, छोटे मोटे ट्रीटमेंट. मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, किसी से पूछ के कर लेती हूँ, तो ये मुझे करके अच्छा लगता है, तो जो भी हो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. एंड देन फिर रात को सोने की प्रिपरेशन. जिस रूम में जैक एंड जिल्स होते हैं वहीं पे उनका जगह बना हुआ है खाना खाने के लिए. एंड फिर से उनका टॉयलेट वगैरह चेक कर फिर क्लीनिंग कर लेती हूँ. उसके बाद इस रूम का जो मैट्रेस रहता है वो मैं नीचे उतार देती हूँ, बिकॉज उनका मतलब फर्श शेडिंग होता है, तो इसके लिए. फिर जाती हूँ मैं अपना नाइट रूटीन फॉलो करने के लिए. सबसे पहले जो भी मैं प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ
वो मैं आपको बता दूंगी दूसरी वीडियो में, और क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद ऑयलिंग कर मसाज कर बाल कॉम कर लेती हूँ एंड देन फिर नील का केयर करती हूँ। लीव्स वगैरह केयर हो चुका है, तो ये सारा प्रोसेस मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगी। नाउ आई फील सो लाइट एंड फ्रेश। होने के जस्ट पहले एक सीक्रेट ड्रिंक लेती हूँ जो मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो तदास अब ये ड्रिंक लेने के बाद बिस्तर में हाफ एन आवर हम लोग दोनों कोई मूवी देखते हैं या फिर अपना मोबाइल में फेसबुक वगैरह स्क्रॉल करते हैं। डुगू भी उसके साथ हमारा देखता है। फिर मैं बिस्तर सोने के लिए अच्छे से रेडी करती हूँ झाड़ू वार के। मुझे थोड़ा एलर्जी इश्यूज़ है तो इसीलिए अच्छी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ जस्ट सोने के पहले। एंड फिर डुगू के लिए भी एक तकिया अलग से रखती हूँ मैं, वो भी मेरे बगल में ये है उसका तकिया एंड वो इसी पर आकर सोता है डेली। तो वी आर रेडी टू स्लीप। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय, शब खैर।